अब हम लोग जो बात करते हैं ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की बात करते हैं बच्चों, ये चैप्टर आज हम लोगों को ख़त्म करना है। ठीक, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट एक बढ़िया प्रोजेक्ट था बच्चों, एक मेगा प्रोजेक्ट था अपने ज़माने का और बहुत ही अच्छा प्रोजेक्ट था जो साइंटिस्टों ने स्टार्ट किया, ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट। बहुत ही बढ़िया टॉपिक है बच्चों, एकदम दिमाग लगा के समझिएगा इसको। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट अपने आप में एक मेगा प्रोजेक्ट है, बड़ा प्रोजेक्ट है, जिसने जो है ह्यूमन के जीनोम में कितने बेसेस होते हैं, है ना, हमारा जो डीएनए होता है 2.2 मीटर लॉन्ग होता है, कितने बेस पेयर होते हैं, तो एक एक चीज़ को इसमें डिस्क्राइब किया गया। और ये जो है 13 साल प्रोजेक्ट चला था, कितने साल, 13 साल ये प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट पर काम हुआ था और बहुत पैसे खर्च हुए थे। सोचिए हमारे जो है एक सेल के अंदर स्टडी करने के लिए, आइए देखते हैं। इन दी प्रीसीडिंग सेक्शंस यू हैव लर्न्ड दैट इज द सीक्वेंसेस बेसिस दैट बेसिस इन डीएनए दैट डिटरमाइंस द जेनेटिक इंफॉर्मेशंस ऑफ ए गिवन ऑर्गेनिज्म, है ना। बहुत सारे बेस हैं जो जेनेटिक इंफॉर्मेशंस को एक्सप्रेस करते हैं पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म की। इन अदर वर्ड्स, जेनेटिक मेकअप ऑफ एन ऑर्गेनिज्म और एन इंडिविजुअल लाइज इन दी डीएनए सीक्वेंसेस। जो भी जेनेटिक जो जीन होते हैं उसके अंदर हमारे फेनोटाइप छुपे हुए होते हैं, यानी जो भी हमारे पेरेंट्स के फेनोटाइप होते हैं, मोस्टली जो जीन्स हैं वो हमारे पेरेंट्स से ट्रांसफ़र होते हैं। थोड़ा बहुत तो इवोल्यूशन हो जाता है कि हम अपने पेरेंट्स से अलग हो जाएँ, बाकी सारी के सारी चीज़ें हम कहीं ना कहीं अपने माँ बाप से ही मैच कर रहे होते हैं। ये डीएनए की वजह से होता है। किसकी वजह से बच्चों? डीएनए की वजह से। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा था कि बहुत सारे साइंटिस्टों का इस पे भी बहस थी कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, आरएनए कर रहा है, प्रोटीन कर रहा है, ये भी हम लोगों ने पढ़ लिया था, है ना। बताइए किसके एक्सपेरिमेंट से प्रूफ हुआ था, कौन बताएगा कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है, कोई बताएगा मुझे किसका सबसे बढ़िया एक्सपेरिमेंट माना गया था? हर्शी एंड चेस साहब का। किसका एक्सपेरिमेंट बच्चों? हर्शी एंड चेस साहब का बढ़िया एक्सपेरिमेंट था, जिसने बताया था जो है कि डीएनए जेनेटिक मटेरियल की तरह काम करता है। इन द प्रीसीडिंग सेक्शंस, अब देखो, इफ टू इंडिविजुअल्स डिफर देन देयर डीएनए सीक्वेंसेस शुड आल्सो बी डिफरेंट एट लीस्ट सम प्लेसेस। सोचिए, कह रहा है कि अगर दो लोग आपस में डिफरेंट हैं, अगर दो लोग आपस में डिफरेंट हैं तो कुछ प्लेसेस पे, यानी मैं कहूं तो 99.9% सेम होता है। डिफरेंस कितना होता है? 0.1% डिफरेंट होता है। नोट लिखिए, इसको याद रखिएगा, 99.9% सीक्वेंसेस जो है सेम होते हैं, 0.1% डिफरेंट होते हैं। दीज एजम्पशंस लेड टू द कस्ट फाइंडिंग आउट द कंप्लीट डीएनए सीक्वेंसेस ऑफ द ह्यूमन जीनोम विद द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग टेक्निक की वजह से ये पॉसिबल हो पाया कि हम लोगों ने ह्यूमन के जीनोम की स्टडी करना शुरू किया। वेयर इट वॉज पॉसिबल एन आइसोलेट क्लोन एनी पीस ऑफ डीएनए एंड अवेलेबिलिटी सिंपल एंड फास्ट टेक्निक फॉर डिटरमाइनिंग द डीएनए सीक्वेंसेस वेरी एम्बिशियस प्रोजेक्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग ह्यूमन जीनोम वॉज लॉन्च्ड इन द ईयर 1990। कब लॉन्च हुआ बच्चों? 1990 में। ठीक, ये सब जेनेटिक इंजीनियरिंग की तरह से पॉसिबल, हमने बायोटेक पढ़ा था। अब अगर एक कोई डीएनए है, कोई एक सेल है, सेल के अंदर अगर हमें जाना है बच्चों तो सेल के अंदर बहुत सारी प्रोटीन होंगी, है ना, सेल के अंदर बहुत सारे बच्चों मेम्ब्रेन होंगी, है ना, उसकी मेम्ब्रेन को तोड़ना, फिर आरएनए को तोड़ना, फिर डीएनए को वहाँ से निकालना, याद आ रहा है सभी को, हम लोगों ने किया था। फिर जेल इलेक्ट्रोफोरोसिस से उसकी पीस बनाना, पीस बनाने के बाद उसको तोड़ना, तोड़ने के बाद उसको निकालना, फिर उसकी स्टडी करना। कितने लोगों को ये बात याद आ रही? बायोटेक में पढ़ा था, हम लोग यूज़ कर रहे थे आरएनएज एंजाइम का यूज़ कर रहे थे, प्रोटीएजेस का यूज़ कर रहे थे, हम लोग जो है सेलुलेजेस का यूज़ कर रहे थे तोड़ने के लिए, फिर कहीं उसको निकालते थे, फिर उसकी स्टडी करते थे हम लोग, याद आ रहा है। तो यहाँ से इसमें हम लोगों ने वही मेथड अपनाया कि हम लोगों ने डीएनए को निकाला,
और ये बहुत ही एम्बिशियस प्रोजेक्ट था। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट वाज कॉल्ड मेगा प्रोजेक्ट। क्या कहा जाता है बच्चों इसको? मेगा प्रोजेक्ट कहा जाता है, समझिएगा बात को, कॉल्ड द मेगा प्रोजेक्ट। यू कैन इमेजिन द मैग्नीट्यूड एंड रिक्वायरमेंट्स ऑफ फॉर द प्रोजेक्ट इफ वी सिंपली डिफाइन द एम्स ऑफ द प्रोजेक्ट एज फॉलोस। ह्यूमन जीनोम इज सेट टू अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁻⁹ बेस पेयर। याद आ रहा है बच्चों सभी? आपने पढ़ा होगा 3.3×10⁹। ये हैप्लोइड कंटेंट का था। किसका था बच्चों? हैप्लोइड कंटेंट का। तो 3×10⁹ लिख दिया है, कोई उससे बहुत बड़ा फर्क नहीं है। और डिप्लोइड का क्या था बच्चों? डिप्लोइड का आपने पढ़ा था, याद आ रहा है? डिप्लोइड का पढ़ा था 6.6×10⁹ बेस पेयर, याद आ रहा है? ह्यूमन जीनोम हैव अप्रॉक्सीमेटली 3×10⁹, अप्रॉक्सीमेटली का मतलब समझ ही रहे होंगे, है ना? एंड इफ कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंस रिक्वायर्ड, इफ द कॉस्ट ऑफ द सीक्वेंसिंग रिक्वायर्ड $3 per billion, सोचिए आप, आज कैलकुलेट करिए पैसा, $3 एक बेस पेयर की स्टडी करने के लिए हम लोगों को $3 खर्च करने पड़ते थे। यस, आरी का यूज भी। अब सोचिए, अब मल्टीप्लाई करिए बच्चों कि 3×10⁹ बेस पेयर की स्टडी करने के लिए जो है कितना पैसा खर्च हुआ होगा। इसीलिए कहा जा रहा है कि बहुत महंगा प्रोजेक्ट था। मल्टीप्लाई करके देखिएगा आप लोग, बहुत सारी कंट्रीज भी आई थी इसमें, सपोर्ट की थी, भाई पैसा खर्चा होगा, सपोर्ट करना ही पड़ेगा ना। चलिए, एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सीमेटली $9 billion। कितना? $9 billion खर्च करना पड़ा था। अब याद कैसे करोगे? तुम्हें तो चीजें भूल जाती है ना, तो याद देखो कुछ नहीं, ऐसे करना, हम बता रहे हैं ना। याद कैसे करना है समझ लो, दिमाग लगाइए। यहां पे देखो 3×10⁹ लिखा हुआ है, 3 per base pair और 10⁹, तो 9 billion, खत्म हो गई कहानी। $9 billion, याद रहेगा? 9, देखो बेस पेयर है 20 billion, बिलियन आसान हो गया कि 3 रुपये जो है, 3 रुपये नहीं मतलब डॉलर में, तो आज के कितने हो जाएंगे बच्चों? 7×21 = 210 रुपये, है ना? एस्टिमेटेड कॉस्ट इन द बिगिनिंग, टोटल एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ द प्रोजेक्ट वुड बी अप्रॉक्सिमेटली $9 billion, आप ऐसे याद कर सकते हैं। फर्दर इफ यू ऑब्टेन द सीक्वेंस टू बी स्टोर्ड टाइप फ्रॉम इन बुक्स, अब हम लोग अगर इस सीक्वेंसेस को एक सेल के बच्चों, एक सेल के DNA निकाल के जब हम लोग स्टडी कर रहे हैं, तो इतना खर्च आ रहा है और इतने जो है हमें डाटा की जरूरत पड़ रही है। अगर हम लोग सारे सीक्वेंसेस की बात करें तो पॉसिबल है भी नहीं। अब देखो कह रहा है कि इन ईच पेज ऑफ द बुक कंटेन 1000 letters, ठीक, ईच पेज ऑफ द बुक, एक पेज में 1000 letters हो और हमें ईच बुक कंटेन 1000 pages एंड 3300 ऐसी किताबों की हमें ज़रूरत है, तब जाके हम लोग इन्फॉर्मेशन जो है DNA की स्टोर कर पाएंगे फ्रॉम सिंगल ह्यूमन सेल। वेरी इंपॉर्टेंट, सिंगल ह्यूमन सेल। कैसे बच्चों? कि हमें ऐसी बुक चाहिए जिसमें 1000 एक पेज पे लेटर हम लिख लें और उसमें 1000 pages हो, 3300 किताबें हमें चाहिए, तब जाके हम लोग एक DNA के इंफॉर्मेशन को लिख पाएंगे। तो सोचिए आप कितना महंगा है, है ना? जो है, चलिए, तो इनॉर्मस अमाउंट ऑफ द डाटा एक्सपेक्टेड टू बी जनरेटेड आल्सो नेसेसिटेट द यूज ऑफ हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइसेस, है ना? हाई स्पीड कंप्यूटेशन डिवाइसेस फॉर डाटा स्टोरेज एंड retrieval and analysis. HGP was closely associated with the rapid development of new area in
बायोलॉजी कॉल्ड बायो इन्फॉर्मेटिक्स। अच्छा बच्चों, इसका गोल क्या था, क्या इम्पोर्टेंस थी, क्या फ़ायदे थे हम लोगों को एक एक बेस पेयर पे स्टडी करना, जीन की स्टडी करना, इससे हमें क्या मिल रहा था। हम इससे बच्चों पता लगा ले रहे थे कि कौन सा जीन किस बीमारी में हेल्पफुल होता है, कौन सा जीन किस बीमारी को करा रहा है, किस बीमारी में कौन सा जीन अफेक्ट होता है। ये सारी इन्फॉर्मेशंस की हम लोग स्टडी कर पा रहे थे, हम ये फाइंड आउट कर पा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ड्रग्स बना पा रहे थे, उसके अकॉर्डिंग हम लोग ट्रीटमेंट लोगों का कर ले रहे थे। तो ये सब जो है फायदे थे हम लोगों को जीन की स्टडी करने के, है ना। क्या क्या फायदे थे बच्चों, आइए पढ़ते हैं। गोल्स ऑफ एचजीपी, सम इंपॉर्टेंट गोल्स ऑफ एचजीपी वेयर एज फॉलोज। आइडेंटिफाई ऑल अप्रोक्सीमेटली 20 थाउजेंड, कितना बच्चों, 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए, कितने बच्चों, 20,000 से 25,000 जीन्स इन ह्यूमन डीएनए। डिटरमाइन द सीक्वेंसेस ऑफ 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर्स दैट मेक अप ह्यूमन डीएनए, कितना, 3 बिलियन केमिकल बेस पेयर जो ह्यूमन डीएनए को बनाते हैं। स्टोर द इंफॉर्मेशन इन डाटाबेसेस, इंप्रूव्स टूल्स फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा हम लोग एनालिसिस कर पाए। ट्रांसफर द रिलेटेड टेक्नोलॉजीज टू अदर सेक्टर सच एज इंडस्ट्रीज, इंडस्ट्रीज में हम लोग जो है भेज पाए। एड्रेस द इथिकल लीगल एंड सोशल इश्यूज दैट मे अराइज फ्रॉम द प्रोजेक्ट, यानी बहुत सारे सोशल इश्यूज भी आए, ये सारे जो है फिर उसको सॉल्व कैसे किया गया ये भी हम लोग देखते हैं। ठीक, तो बेसिकली हम लोग क्या कर रहे हैं बच्चों, इन्फॉर्मेशन हमें पता चल रही है सारी चीज़ों की। अब ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है बच्चों 13 ईयर्स का प्रोजेक्ट था, यानी बहुत ही लंबा प्रोजेक्ट जो है ये चला। ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट 13 ईयर प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटेड बाय द US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंडस्ट्रियल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ, ये दो लोगों ने सबसे पहले इस पर जो है सपोर्ट किया। US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ एचजीपी वेलकम ट्रस्ट UK बिकेम अ मेजर पार्टनर, कौन था बच्चों, यूके बहुत ही बढ़िया इसको सपोर्ट कर रहा था, क्योंकि इतना पैसा खर्च हो रहा था, फ्यूचर का तो किसी को पता नहीं, तो इतना पैसा कैसे लगाया जाए, क्यों लगाया जाए, तो बहुत सारी कंट्रीज भी आगे आई, उन लोगों ने सपोर्ट किया बाद में इसको। तो यहाँ पे क्या हुआ कि US डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ हेल्थ ड्यूरिंग अर्ली ईयर्स ऑफ एचजीपी वेलकम ट्रस्ट बिकेम अ मेजर पार्टनर एंड एडिशनल कंट्रीब्यूशंस केम फ्रॉम जापान से बच्चों, फ्रांस से और जर्मनी से और चाइना से एंड अदर कुछ कंट्रीज, इन्होंने जो है सपोर्ट करना शुरू किया इसको। ठीक है ना, इसमें भाई इतना पैसा खर्च होना है तो अदर कंट्रीज भी मिलके इस पे जो है काम करना शुरू किया लोगों ने, और काफ़ी अच्छा वर्क चल रहा। ठीक, प्रोजेक्ट वाज कंप्लीटेड इन सन 2002, जाहिर सी बात 1990 में जो है बच्चों ये शुरू हुआ। ठीक, 2003 में क्या हुआ, ये कंप्लीट हुआ, तो ये कितना हो गया, 13 इयर्स, इसी वजह से कहा जाता है मेगा प्रोजेक्ट। ठीक है, और 1933 से बहस छिड़ी थी, 1944 तक एक्सपेरिमेंट चला था, कितने लोगों को याद है ये कौन सा एक्सपेरिमेंट था, ये कोई बता दे तो मैं मान जाऊंगा। 11 साल चला था ये, 11 ईयर्स। मार्थ मैकलिन मेकार्टी बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल क्या था बच्चों, बायोकेमिकल ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। क्लियर, चलिए अब हम लोग आगे आते हैं। अब यहां पे कह रहा है कि प्रोजेक्ट DNA, इफेक्ट ऑफ DNA वेरिएशन एमंग इंडिविजुअल, वी नो नॉलेज अबाउट दी, इससे क्या पता चला हमें, कैन लीड टू रिवोल्यूशनरी न्यू वेज टू डायग्नोज, वेरी इंपॉर्टेंट। इससे हमें स्टडी करके क्या फायदा हुआ था,
कि न्यू वेज टू डायग्नोज ट्रीट एंड प्रिवेंट द थाउजेंड्स ऑफ डिसीज फ्रॉम दिस स्टडी. हम लोग बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे जो है कॉज पता चले बीमारियों के और उस पर कौन सी मेडिसिन बनानी है, हम लोगों ने ये सब बनाना शुरू किया इस प्रोजेक्ट को, प्रोजेक्ट पे स्टडी करके. तो इस प्रोजेक्ट से हमें क्या क्या फायदे हुए आपने देख लिया. ठीक, बिसाइड्स प्रोवाइडिंग क्ल्यू, ये भी बहुत बढ़िया बात है. देखिए कह रहा है कि अंडरस्टैंडिंग ह्यूमन बायोलॉजी, लर्निंग अबाउट द नॉन ह्यूमन ऑर्गेनिज्म, डीएनए सीक्वेंसेस लीड टू अंडरस्टैंडिंग ऑफ दियर नेचुरल कैपेबिलिटी दैट कैन बी अप्लाइड टुवर्ड्स द सॉल्विंग चैलेंजेस इन द हेल्थ केयर. एग्रीकल्चर में बेटा हम लोगों ने यूज किया था, आपने बायोटेक्स में पढ़ा है, याद आ रहा है, बायोटेक में, बायोटेक में हम लोगों ने बात की थी बच्चों. एंड इनर्जी प्रोडक्शन, इन्वायरमेंटल रिमेडिएशन यानी पॉल्यूशन को कैसे ख़त्म किया जाए, ये सब में इसकी स्टडी करने के बाद हमें पता चला. तो हम लोग बहुत सारे प्लांट के अंदर भी जीन को ट्रांसफ़र करते हैं, बायोटेक में यही तो किया था हम लोगों ने, कटिंग पेस्टिंग एंड ट्रांसफ़र. ठीक, तो यहाँ पे भी इस प्रोजेक्ट की स्टडी करने के बाद बहुत सारी चीज़ें हम लोगों को पता चली जिससे हम लोग काम कर सकते हैं. मेनी नॉन ह्यूमन मॉडल ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया, ईस्ट एंड सीन और हैबिटेट इलीगेंस ऑफ फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड, ये सवाल पूछा जा सकता है. सीन और हैबिटाइटिस इलीगेंस, फ्री लिविंग नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड है. ड्रोसोफिला फ्रूट फ्लाई प्लांट्स राइस एंड अरेबिडियोसिस हैव आल्सो बीन सिक्वेंस्ड, तो इन लोगों को भी सिक्वेंस किया गया है. कौन कौन से बच्चों, बैक्टीरिया हो गया, ईस्ट हो गया, ठीक, नॉन पैथोजेनिक नेमाटोड हो गया, ड्रोसोफिला हो गया, ठीक है ना, और राइस हो गया, इन सब पे भी स्टडी की गई है. चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं मेथोडोलॉजीज, द मेथड टू मेजर अप्रोचेस फोकस्ड ऑन आइडेंटिफाइंग ऑल द जीन्स दैट आर एक्सप्रेस्ड आरएनए रिफर्स टू एज आरएनए एक्सप्रेस्ड टैग. ठीक, जो चीजें एक्सप्रेस हो रही हैं उसे हम लोग क्या कह रहे हैं बच्चों, Expressed sequences tag. Other took the blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequences and later assigning the different regions of the sequences with functions termed as sequence annotation. अब दो चीजें हैं यहाँ से. एक होता है क्योंकि हमारा अगर DNA है या RNA है उसमें ऐसा है कि कुछ कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, है ना. तो जो नॉन, ऐसा तो है नहीं कि सारे के सारे कोडिंग होंगे, कुछ कोडिंग होते हैं, कुछ नॉन कोडिंग होते हैं. जो एक्सप्रेस कर रहे हैं यानी वो कोडिंग सीक्वेंसेस हैं, जो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं. ठीक, जो एक जनरेशन में अपने आप को क्या कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, वो कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, जो नहीं एक्सप्रेस कर रहे हैं वो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस. ठीक, तो वही कह रहा है कि The other took blind approach of simply sequencing the whole set of genome that contained all the coding and non-coding sequences, different regions in the sequence with functions termed referred to as sequence annotation. For sequencing, the total DNA from a cell is isolated and converted into random fragments of relatively smaller size. Recall, क्योंकि DNA बहुत long है, तो हम लोग क्या करते हैं, इसको cut करते हैं. Technique limitations is sequencing very long piece of DNA and cloned in a suitable host using specialized vector. The cloning results into amplification of a piece of fragments that are subsequently could be sequenced with the. अब यानी सिंपल बात मैं आपको बताऊं तो ये कहना क्या चाह रहा है, ये यही कह रहा है कि हमने क्या किया, एक DNA को निकाला, निकालने के बाद हमने उसको जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक में जो है यूज़ किया, उसमें हम लोगों ने कट किया,
आरिस यानी रिस्ट्रिक्शन एंजाइम से कट करने के बाद उसके फ्रेगमेंट्स अलग किए, क्योंकि एक लंबा सीक्वेंसेस होता है डीएनए जिसकी स्टडी करना बहुत मुश्किल होता है, तो हम लोग पार्ट में स्टडी कर दें, बाद में सबको ऐड कर दें। तो पार्ट में स्टडी उसकी करके हम लोगों ने क्या किया, फ्रेगमेंट्स बना लिया। फ्रेगमेंट्स बनाने के बाद उसको रिमूव किया, रिमूव करने के बाद उसको हम लोग ट्रांसफर किया यानी क्लोनिंग की, वैक्टर्स बनाए, उसकी हज़ारों कॉपीज बनाई, है ना। उसके बाद उसको हम लोग बैक्टीरिया के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग ईस्ट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं, हम लोग जो है किसी प्लांट के अंदर ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ये मेथड ये कह रहा है कि हम लोग उसको यूज़ कर सकते हैं एज अ डिफेंस मैकेनिज्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो कह रहे हैं कुड बी सिक्वेंस्ड विद ईच कॉमनली यूज्ड होस्ट वेक्टर बैक्टीरिया ईस्ट। कह रहा है क्या क्या होस्ट आप यूज़ कर सकते हैं, बैक्टीरिया एंड ईस्ट एंड वेक्टर्स वी आर कॉल्ड द बैक्टीरियल आर्टिफिशियल क्रोमोसोम एंड ईस्ट आर्टिफिशियल क्रोमोसोम। ठीक, फ्रेगमेंट्स वेयर सिक्वेंस यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसेज डेट वर्कड ऑन द प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड डेवलप फ्रेडरिक सैंगर। अब फ्रेडरिक सैंगर साहब ने क्या किया था, फ्रेडरिक सैंगर साहब ने जो है प्रोटीन यानी अमीनो एसिड के सिक्वेंस पे की बात की थी, कहा कि फ्रेगमेंट्स वेयर यूजिंग ऑटोमेटेड डीएनए सिक्वेंसेज प्रिंसिपल्स ऑफ मेथड डेवलप फ्रेडरिक सैंगर। सैंगर इज आल्सो क्रेडिटेड फॉर डेवलपिंग मेथड ऑफ डिटर्मिनेशन ऑफ द अमीनो एसिड सिक्वेंसेज इन प्रोटीन। इन्होंने किसको, अमीनो एसिड के सिक्वेंस को जो है किया था। प्रोटीन प्रोटीन से बने होते हैं क्या, अमीनो एसिड सारे मिलते हैं, प्रोटीन बनता है। तो सैंगर अब सैंगर साहब ने किस पे स्टडी की थी बच्चों, अमीनो एसिड के सिक्वेंस को आइडेंटिफाई किया था प्रोटीन के अंदर। These sequences were then arranged based on some overlapping region present in them. This requires generation of the overlapping fragments for sequencing. Alignments of these sequences was humanly not possible. ठीक, alignments of those sequence was humanly, यानी human के बस की बात नहीं है कि वो सारे sequences को लिखा पढ़ी करे और अच्छे से करे। ये एक कंप्यूटर डाटाबेसेस होना चाहिए, तभी हम लोग जो है इतनी सारी चीजें कर पाएंगे। ठीक, ह्यूमन के बस में नहीं है। देयरफॉर द स्पेशल कंप्यूटर बेस्ड प्रोग्राम्स वेयर डेवलप्ड, दीज सीक्वेंसेस वेयर सब्सिक्वेंटली एनोटेड एंड वी आर असाइन टू ईच क्रोमोसोम। द सीक्वेंस ऑफ क्रोमोसोम 1 वाज कंप्लीटेड इन मे सन 2006। ऐसा क्यों था बच्चों, क्रोमोसोम 1 पे जो स्टडी हुई है वो लेट हुई है, उसका वो जो कंप्लीट हुआ है वो जो है सन 2006 में हुआ है, जबकि सन 2003 में प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। अब इसको टाइम क्यों लगा, क्योंकि ये लार्जेस्ट होता है, सबसे बड़ा होता है, सबसे बड़ा जो होता है क्रोमोसोम 1 होता है, ठीक है ना। इस वजह से इस पर जो है ज़्यादा समय लग गया। This was last of the 24 chromosome. ठीक, अब ये 24 कैसे कह रहा है, ये भी समझिए बात को, नहीं तो कहेंगे कि बिल्कुल समझ नहीं आया है। अब देखो ये कैसे कह रहा है ये बात, ठीक। एक्स और वाई 22 ऑटोसोम, ठीक, 23 24, एक ये 22 एक 23 23 एक 24। तो वो कह रहा है कि फर्स्ट वाला जो था, क्योंकि फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर फाइव सिक्स सेवन एट ऐसे ऐसे करते करते कहाँ आ गया बच्चों, 22 पे आया। तो क्रोमोसोम 1 जो होता है ये सबसे बड़ा होता है, अगर आप कार्योटाइप इसका देखें तो ये सबसे बड़ा होता है। सबसे छोटा कौन होता है बच्चों, लास्ट वाला होता है, ठीक, कभी भी अगर देखेंगे आप तो। यानी क्रोमोसोम 1 जो है बहुत लॉन्ग था, तो इसका सन 2006 में कंप्लीट हुआ, ठीक है ना। दिस वाज लास्ट ऑफ द 24 ह्यूमन क्रोमोसोम 22 ऑटोसोम्स एंड एक्स और वाई टू बी सीक्वेंस्ड, इसको भी सीक्वेंस किया गया। एंड अनदर चैलेंजिंग टास्क वाज असाइनिंग ऑफ द जेनेटिक एंड फिजिकल मैप्स ऑन द जीनोम। दिस वाज जनरेटेड यूजिंग द इंफॉर्मेशन ऑन द polymorphism of restriction endonuclease recognition sites and some repetitive DNA sequences known as micro satellites.
वन ऑफ द एप्लीकेशंस ऑफ द पॉलीमॉर्फिज्म ऑफ द रिपीटेटिव डीएनए सीक्वेंस शैल बी एक्सप्लेन्ड। अब ये माइक्रो सेटेलाइट क्या है बच्चों, इसको हम जो है आपको बताएंगे कल, इसका डिटेल हम लोग पढ़ेंगे। माइक्रो सेटेलाइट क्या है, ठीक, माइक्रो सेटेलाइट क्या है, हम इसको कल पढ़ाएंगे आपको। अब बच्चों हम लोग बात करते हैं साइलेंट फीचर्स ऑफ द ह्यूमन जीनोम, कल यहीं से पढ़ना था हम लोगों को। द ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस। कितने बेस होते हैं बच्चों, ये डाटा है, आपको सारे डाटा याद होना चाहिए वरना आप टाटा हो जाएंगे, ठीक। एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस बट साइजेस वेरी ग्रेटली विद द लार्जेस्ट नॉन ह्यूमन जीन बीइंग डिस्ट्रोफिन। सबसे बड़ा कौन है बच्चों ह्यूमन जीनोम, लार्जेस्ट ह्यूमन जीनोम डिस्ट्रोफिन नाम है, क्या है डिस्ट्रोफिन, जिसके पास 2.4 मिलियन बेसिस हैं, ठीक। पहली बात, ह्यूमन जीनोम कंटेन्स 3164.7 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस, एवरेज जीन कंसिस्ट ऑफ 3000 बेसिस, और लार्जेस्ट जो ह्यूमन जीन है जिसका नाम डिस्ट्रोफिन है बच्चों, उसके पास 2.4 मिलियन बेसिस होते हैं, क्लियर। दूसरी बात, टोटल नंबर ऑफ जीन इज एस्टिमेटेड 30,000, मच लोअर देन प्रीवियस एस्टिमेशंस 8 to 1400 जीन्स। ऑलमोस्ट ऑल 99.9% न्यूक्लियोटाइड बेसिस एग्जैक्टली सेम इन ऑल पीपल, ये बात मैंने कल बताई थी। कितने बच्चों, 0.1% यानी सिर्फ डिफरेंट होते हैं बच्चों, क्लियर। 0.1% सिर्फ क्या होते हैं, डिफरेंट होते हैं। फंक्शन आर अननोन फॉर ओवर 50% ऑफ द डिस्कवर्ड जीन, 50% जीन का हमें फंक्शन ही नहीं पता है बच्चों, ठीक है ना। लेस देन 2% ऑफ द जीनोम कोड्स फॉर प्रोटीन, कितने, लेस देन 2% ऑफ द जीनोम, कितने बच्चे, लेस देन 2% जीनोम जो कोड करते हैं प्रोटीन को। रिपीटेड सीक्वेंस मेक अप वेरी लार्ज पोर्शन ऑफ द ह्यूमन जीनोम। रिपीटेड सीक्वेंस का मतलब बच्चों जो बार बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस आर स्ट्रेचेस ऑफ डीएनए सीक्वेंसेस दैट रिपीटेड मेनी टाइम्स एंड समटाइम्स 100 to 1000 टाइम्स, दे आर थॉट टू हैव नो डायरेक्ट कोडिंग फंक्शन बट दे आर शेड लाइट ऑन द क्रोमोसोम स्ट्रक्चर डायनेमिक्स एंड इवोल्यूशन। यानी कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं, ठीक है ना। रिपीटेटिव सीक्वेंसेस होते हैं, जो नॉन कोडिंग होते हैं वो किसी को कोड तो नहीं करते लेकिन उनका होना बहुत ज़रूरी होता है, वो इवोल्यूशन में जब एक्यूमुलेट होते जाते हैं तो इवोल्यूशन करा सकते हैं वो, ठीक। इस वजह से जो कोड नहीं करते हैं उनका भी होना बहुत ज़रूरी होता है जी बेटा, नीट के लिए ही, ठीक। अब देखो कह रहा है क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट जीन 2968 एंड वाई हैज द फ्यूएस्ट 231। ये बात कल हम लोगों ने पढ़ी थी कि क्रोमोसोम वन जो है सबसे बड़ा था, इसी वजह से जो कंप्लीट हुआ मई सन 2006 में उस पे जो है जीन में डिस्कवरी हो पाई थी, क्योंकि सबसे बड़ा था, उसमें ज्यादा जो है बेस जीन पाए गए थे। क्रोमोसोम वन हैज मोस्ट जीन 2968, इसी वजह से इसको जो है डिस्कवरी भी इसकी क्या हुई थी बच्चों, लेट हुई थी, याद होगा मई सन 2006 में जाके कंप्लीट हुई थी, जबकि सन 2003 में जो है सब कंप्लीट हो चुका था, लेकिन इसमें जीन काफ़ी लंबा था ये, इस वजह से थोड़ा सा टाइम लगा इसमें। याद आ रहा है पॉइंट को, रिलेट कर पा रहे हैं आप लोग, चलिए। साइंटिस्ट हैव डिफरेंट अबाउट 1.4 मिलियन लोकेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट।
साइंटिस्ट हैव आइडेंटिफाइड 1.4 मिलियन लोकेशन वेयर सिंगल बेस डीएनए डिफरेंसेस सिंगल न्यूक्लियोटाइड पॉलीमॉर्फिज्म प्रोनाउंड एज स्निप्स अकर इन ह्यूमन। कितनी जगह है बच्चों? 1.4 मिलियन लोकेशन ऐसी हैं। दिस इंफॉर्मेशन प्रोमाइजेस टू रिवोल्यूशनाइज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग क्रोमोसोमल लोकेशंस फॉर डिसीज एसोसिएटेड सीक्वेंसेस एंड ट्रेसिंग ह्यूमन हिस्ट्री। ठीक, चलिए ये पूरे बेसिक पॉइंट बेटा आपको याद करने पड़ेंगे कि हमारे पास जो है कितने ह्यूमन जीनोम हैं, 316.4 मिलियन न्यूक्लियोटाइड बेसिस हैं, 3000 जीन्स पाए जाते हैं, सबसे बड़ा जो होता है डिस्ट्रोफिन होता है, 2.4 मिलियन जीन्स पाए जाते हैं, सबसे बड़ा जो है क्रोमोसोम 1 होता है, क्रोमोसोम वाई सबसे कम होता है जिसमें 231 पाए जाते हैं, क्रोमोसोम 1 में 2368 पाए जाते हैं जीन। ये सब सारी बातें आपको रटनी पड़ेंगी, ठीक है ना। 1.4 मिलियन ऐसी हैं जहाँ पे जो है चीज़ें रिपीट हैं बहुत बार, ये रटाऊ बिल्कुल हैं, ये आपको याद होना चाहिए। और क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं कि कौन सी करेक्टरिस्टिक्स जो है मैच नहीं कर रही है ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट की। ठीक, अब एप्लीकेशंस एंड फ्यूचर चैलेंजेस, क्या एप्लीकेशंस इसके होंगे वो हम लोग पढ़ते हैं। मीनिंगफुल नॉलेज फ्रॉम डीएनए सीक्वेंसेस वेल डिफाइंड रिसर्च थ्रू कमिंग डिकेड्स लीडिंग टू आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल सिस्टम। दिस इनॉर्मस टास्क विल रिक्वायर द एक्सपर्टाइज एंड क्रिएटिविटी ऑफ 10,000s ऑफ साइंटिस्ट फ्रॉम वेरिड डिसिप्लिन इन बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स इन वर्ल्ड वाइड। बहुत सारे लोगों ने जो है इस पे काम किया बच्चों। वन ऑफ द ग्रेटेस्ट इम्पैक्ट ऑफ हैविंग एचजीपी सीक्वेंसेस में विल इनेबलिंग द रेडिकली न्यू अप्रोच टू बायोलॉजिकल रिसर्च। यानी एचजीपी के बारे में हम जानने के बाद एक हमारे अंदर यानी बायोलॉजी के जगत में एक बड़ा इवोल्यूशन हम लोग कर सकते हैं। इन द पास्ट रिसर्चेस स्टडीड वन और अ फ्यू जीन्स एट ए टाइम with whole genome sequences and new throughput technologies we can approach questions systematically and on a much। देखते हैं आगे, यहाँ पे कोई खास बात नहीं थी। They study all genes in human genome, for example transcripts of a particular tissue or organ or tumor or how 10,000s of genes and proteins work together interconnected to the network of the chemistry of life। वो कह रहे हैं कि कैसे जो है ये सारी की सारी प्रोसेस हो रही हैं, इतनी सारी रिएक्शंस हमारी बॉडी के अंदर चल रही हैं, है ना, कैसे ये एक दूसरे से कनेक्ट हो रही हैं, क्या जो है इनके पीछे फैक्ट है ना, क्या कंसेप्ट है इनके पीछे। क्लियर, ये सारी बातें कर रहे हैं। अब हम लोग बात करेंगे बच्चों डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। किसकी बात करेंगे हम लोग? डीएनए फिंगरप्रिंटिंग की। अब बहुत एक कहानी बताते हैं आप लोगों को। डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एक्चुअल में बच्चों ये कंसेप्ट आया कहाँ से, दिमाग में डेवलप कहाँ से हुआ? हुआ क्या कि पहले जो इंसान थे यानी हम लोग, अगर हम लोग बात करें अपने पूर्वजों की, तो हम रामापिथिकस, डायापिथिकस, ऑस्ट्रेलोपिथेसिन्स, है ना, होमो हैबिलिस, होमो इरेक्टस, नेंडरथल मैन, ये जो है क्रोमैग्नन मैन, फिर जाके ह्यूमन आए। तो ये सब जो हमारे पूर्वज थे पहले, ये लोग जो है जंगलों में रहते थे। जब ये जंगलों में रहते थे तो ये बखूबी, क्योंकि जंगल में शेर भी रहेगा, है ना, बहुत सारे ऐसे ऑर्गेनिज्म होंगे जो ह्यूमन के लिए जो है नुकसान पहुंचाते होंगे। तो ह्यूमन भी बहुत चालाक होते थे जो जंगल में रहते थे, वो बहुत ही अलर्ट होते थे, क्योंकि वो लोग फिंगरप्रिंट को देख के, ये जो डीएनए फिंगरप्रिंटिंग आया है ये फिंगरप्रिंट को देख के कंसेप्ट आया था कि पैरों के निशान जो है पार्टिकुलर जानवर जो जंगल में रहते थे लोग, वो लोग जैसे मान लीजिए आसपास के इलाके से अगर हाथी गुजरा है तो उसके पैरों के निशान पड़े होते थे तो वो लोग बता देते थे कि यहाँ से जो है कोई एलिफेंट जो है गुजरा हुआ है। मान लीजिए शेर गया तो उसके पंजों के निशान पड़े होते थे। तो यहाँ से जो है दिमाग में कंसेप्ट आया कि फिंगरप्रिंटिंग क्यों ना की जाए, डीएनए की फिंगरप्रिंटिंग, है ना। तो वो तो पंजों के निशान देख के, ये सब देख के हम लोग बता ले रहे थे कि यहाँ से कोई भयानक ऑर्गेनिज्म गुजरा है, तो सब लोग अलर्ट हो जाते थे कि भैया यहाँ से शेर गया, आसपास के इलाके में शेर आ गया है, तो सब लोग अलर्ट हो जाते थे। उसी की तरह इसको देख के जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग हम लोगों ने बनाई है। ठीक, समझ गए।
कंसेप्ट क्या है, शुरू करें? चलिए, अब देखिए इसमें क्या है। As stated in the preceding section, 99.9% of base sequences among human is same. इसमें तो कोई डाउट नहीं, ये पढ़ चुके हम लोग। Assuming human genome as 3×10^9 base pair, हम लोग मान लेते हैं, in how many base sequences would there be differences? कितने जो है base pair difference होंगे? It is these differences in sequence of DNA which make every individual unique in their कितने परसेंट बच्चों? अगर 99% सेम है तो 0.1% ऐसे होंगे जो क्या होंगे बच्चों? डिफरेंट होंगे। यही तो हमें यूनिक बनाता है, हर ऑर्गेनिज्म से हमें यूनिक तो यही बना रहा है ना? Phenotypic appearance, if one aims to find out the genetic difference between two individuals or among individuals of a population, sequencing DNA every time would be counting an expensive task. Imagine trying to compare two sets 3×10^9 base pair. इसका मतलब क्या? ये कौन मुझे समझा सकता है? कोई ऐसा है जो ये मुझे समझा दे कि ये 3×10^6 बेस क्यों लिख रहा है? 3×10^6 बेस पेयर क्यों लिख रहा है? अभी तो लिख रहा था कि 3×10^9 बेस पेयर। ये कोई ऐसा है जो मुझे समझा दे? चलिए हम बताते हैं, ऐसे रखो। देखिए, दिमाग लगाइए इसमें, बुद्धि बुद्धि खोलिए थोड़ा सा। चलिए ये देखिए, अब यहां पे कह रहा है कि 3×10^9 बेस पेयर होते हैं तो कितने बेस पेयर 0.1% में होंगे? तो 3 इंटू बच्चों 10^9 इंटू 0.1। अब परसेंटेज है बच्चों 0.1%, तो इसको डिवाइड करेंगे हम लोग, है ना? परसेंट है तो अपान हम लोग कर ले रहे हैं 100। क्लियर, 100 कर लिया। अब इज इक्वल टू क्या करेंगे? 3×10^9 है ना, अपान 100, ठीक, × 0.1 इज इक्वल टू। अब बताइए 100 100 ये जब चला जाएगा तो क्या हो जाएगा ये बच्चों? 3×10^7 × 0.1 इज इक्वल टू 3×10^6 है ना। इसमें भी एक चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 1 हो जाएगा, 3×1 3×10^6। तो ये बात वो कह रहा है कि जो डिफरेंस आ रहा है वो इतने का डिफरेंस है, 3×10^6 बेस पेयर जो है यही हमें अलग बनाते हैं, हमें यही अलग बनाते हैं दूसरों से। कितने लोग ये बात समझ पाए? वालेकुम अस्सलाम। कितने लोग ये बात समझ पाए कि ये जो 3×10^6 लिख रहा है, अच्छा यहाँ से लिख रहा है, समझ गए? फटाफट जवाब दो। और कितने लोग नहीं समझ पाए? यानी जो 99.9% है बच्चों वो सेम होते हैं, वो 3×10^9 है, और डिफरेंस जो है कितना है 3×10^6 बेस पर, ये सब में अलग होते हैं, यानी 0.1%। ठीक, चलिए बहुत अच्छा, क्योंकि ये लाइन जो है ना लोग समझ नहीं पाते थे कि ये कैसे कर दिया। खैर कोई नहीं, आप लोग अच्छे बच्चे हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे। अब कह रहा है कि डीएनए फिंगरप्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंस इन सम ऑफ द स्पेसिफिक रीजंस इन द डीएनए सीक्वेंसेस कॉल्ड द रिपीटेटिव डीएनए। अब हम आपको एक बात और बताते हैं, ठीक, एक है रिपीटेटिव डीएनए, एक है सैटेलाइट डीएनए। मुझे थोड़ा सा जगह चाहिए बताने के लिए, मैं आपको बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराए नहीं। अब देखिए एक बात और बताएं आपको, जो फिंगरप्रिंटिंग, थोड़ा सा फिंगरप्रिंटिंग की बात कर लें, जो फिंगरप्रिंटिंग होती है बच्चों वो किसी की मैच नहीं कर सकती। फिंगरप्रिंटिंग कभी भी किसी की मैच नहीं कर सकती है, क्लियर। लेकिन ट्विंस अगर होते हैं किसी किसी ट्विंस की,
हमारी क्लास में ऑफलाइन में एक बच्चा है जिसके छोटे जो छोटा भाई है इसका, वो 5 मिनट का छोटा है इससे और ये 5 मिनट उससे बड़ा है, दोनों ट्विन हैं। तो इसका जो है फ़ोन इसका भाई के फेस से खुल जाता है और उसकी फिंगरप्रिंट से खुल जाता है, लेकिन इसका जो है इसके भाई का नहीं खुलता है इससे। यानी एक भाई का जो है फ़ोन खुल जाता है, दूसरे भाई का, एक भाई का नहीं खुलता है। समझ पा रहे हो? दो भाई हैं, एक भाई का फिंगरप्रिंट दोनों में अप्लीकेबल है, एक का अप्लीकेबल नहीं है। यानी एक बात समझ में आती है कि फिंगरप्रिंट तो थोड़ा बहुत ट्विन्स में, ये ऐसा माना जाता है कि ट्विन्स में भी अलग नहीं होती है, लेकिन यहाँ पे एक केस हमको देखने को मिला कि थोड़े बहुत डिफरेंसेस यानी ट्विन्स के अंदर भी होते हैं। लेकिन बच्चों सुमैया क्यों? अब देखो, फिंगर प्रिंटिंग जो है इसमें भी पैटर्न होते हैं ना, दोनों के पैटर्न हो सकता है मैच कर रहे हों। अब ऐसा क्यों है उसके भाई का जो है एक का खुल जा रहा है एक का नहीं? क्योंकि थोड़े बहुत जो सिमिलरिटीज़ जो है उसके होंगे इसके भाई में, दोनों के मैच कर रहे हैं, लेकिन इसके बड़े भाई वाले में थोड़ा सा चेंजेस आ गए हैं, है ना? जो है किसी किसी केस में हो सकता है थोड़ा बहुत, लेकिन डीएनए फिंगर प्रिंटिंग कभी भी बच्चों सेम नहीं हो सकती। तो बताओ जो है हैंड की फिंगर प्रिंटिंग अच्छी है या डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग? बताइए कौन सी फिंगर प्रिंटिंग अच्छी है, हमारे डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग अच्छी है या हमारे हैंड की फिंगर प्रिंटिंग अच्छी है? कोई नहीं बता रहा है। हमारे बच्चों हैंड की फिंगर प्रिंटिंग अच्छी नहीं है, ब्लड की फिंगर प्रिंटिंग यानी डीएनए की फिंगर प्रिंटिंग कभी भी मैच नहीं कर सकती, यानी उंगलियों की फिंगर प्रिंटिंग कहीं ना कहीं मैच कर सकती है, जैसा कि मैंने बताया आपको। चलिए, डीएनए फिंगर प्रिंटिंग इन्वॉल्व्स आइडेंटिफाइंग डिफरेंसेस इन स्पेसिफिक रीजन ऑफ द सीक्वेंस कॉल्ड रिपीटेटिव डीएनए। कौन सा रीजन होता है बच्चों? रिपीटेटिव डीएनए होता है। बिकॉज इन दीज सिक्वेंसेज स्मॉल स्ट्रेच ऑफ डीएनए इज रिपीटेड मेनी टाइम्स। ठीक, एक सीक्वेंस बहुत बार रिपीट कर रहा है बच्चों। ठीक, दीज रिपीटेटिव डीएनए सेपरेटेड फ्रॉम बल्क जीनोमिक डीएनए एज अ डिफरेंट पीक्स ड्यूरिंग डेंसिटी ग्रेडियंट और सेंट्रीफ्यूगेशन। द बल्क डीएनए फॉर्म्स अ मेजर पीक एंड अदर स्मॉल पीक आर रिफर्ड टू एज अ सेटेलाइट डीएनए। क्या कहते हैं बच्चों? सेटेलाइट डीएनए। एंड दिस सेटेलाइट डीएनए आर प्रेजेंट इन, ये जो सेटेलाइट डीएनए होता है बच्चों, ये पाया जाता है अपर टर्मिनल पे। ये है बच्चों सेटेलाइट डीएनए टर्मिनल पे। अगर पूछा जाए कि सेटेलाइट डीएनए कहाँ पाया जाता है तो बताइएगा कि टर्मिनल पे पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है बच्चों? ये देखिए, क्लियर बताएं फटाफट, कोई जवाब नहीं आ रहा है। ठीक, अब ये सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं बच्चों, ये कितने परसेंट होते हैं? यही सैटेलाइट डीएनए जो होते हैं ये 0.1% होते हैं। कितने होते हैं? 0.1% होते हैं। ठीक है ना, कितने होते हैं बच्चों? 0.1% होते हैं। डिपेंडिंग ऑन, अब देखिए ये तीन बातों पे डिपेंड करते हैं। डिपेंडिंग ऑन द बेस कंपोजिशंस ऑफ एटी और जीसी रिच और लेंथ ऑफ सेगमेंट्स एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स। तीन बातें कौन कौन सी बच्चों? ये सेटेलाइट डीएनए डिपेंड करते हैं कंपोजिशन ऑफ द एटी रिच और जीसी रिच रीजन, लेंथ ऑफ सेगमेंट पे एंड नंबर ऑफ रिपीटेटिव यूनिट्स पे। द सेटेलाइट डीएनए इज क्लासिफाइड इंटू मेनी कैटेगरीज सच एज माइक्रो सेटेलाइट एंड मिनी सेटेलाइट। ठीक, यही जो है सेटेलाइट डीएनए डिवाइड किए गए बच्चों दो पार्ट में, माइक्रो सेटेलाइट और मिनी सेटेलाइट। अब ये जो मिनी सेटेलाइट होता है और माइक्रो सेटेलाइट होता है बच्चों, मिनी सेटेलाइट जो बने होते हैं, ये बने होते हैं 20 से 50 बेस पेयर से। कितने? 20 से 50 बेस पेयर से बने होते हैं। और माइक्रो सेटेलाइट जो होते हैं ये 8 से 16 बेस पेयर से बने होते हैं।
8 से 16 बेस पेयर्स, ठीक। माइक्रो सेटेलाइट जो होते हैं बच्चों, वो बने होते हैं कितना, 8 से 16 बेस पेयर से, और ये बने होते हैं 20 से 50 बेस पेयर से, क्लियर। अब इसी मिनी सेटेलाइट को हम लोग बोलते हैं बच्चों VNTR, क्या बोलते हैं VNTR, इसी को हम लोग बोलते हैं। खैर मैं एक अच्छा सा डायग्राम आपको बना के दिखाता हूँ, अभी रुक जाओ, अभी पहले पढ़ लेते हैं। अब यहाँ पे देखो कह रहा है दीज सिक्वेंसेज नॉर्मली डू नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स, ये किसी को कोड नहीं करता है, नॉट कोड फॉर एनी प्रोटीन्स बट दे फॉर्म अ लार्ज पोर्शन ऑफ ह्यूमन जीनोम, ये किसी को कोड नहीं करता है लेकिन ये लार्ज जो है वो बनाता है ह्यूमन जीनोम के अंदर। सिक्वेंसेज शोज हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म एंड द बेसिस ऑफ डीएनए फिंगर प्रिंटिंग, सिंस डीएनए फ्रॉम एवरी टिश्यू सच एज ब्लड की बात हो, हेयर की बात हो, फॉलिकल्स की, स्किन की, बोन्स, सलाइवा, स्पर्म ईटीसी फ्रॉम एन इंडिविजुअल्स शोज द सेम डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, दे बिकम वेरी यूजफुल इन आइडेंटिफिकेशन टूल ऑफ द फॉरेंसिक एप्लीकेशन। यानी हम लोग कहीं कभी हम लोगों को जीन मिल जाए, चाहे वो ब्लड का हो, चाहे वो स्पर्म का हो, चाहे वो हेयर का हो, चाहे नेल्स का हो, हम लोग सेम डिग्री पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा, हम लोग बता लेंगे। जैसे मान लीजिए दो लोग हैं बच्चों, दो लोग हैं, अब किसी की डेथ हो गई और मैं हूँ वहाँ पे, एक लोग और हैं, ठीक है ना। तो जब कभी भी लड़ाई होती है तो कहीं ना कहीं जो है ब्लड व्लड लॉस होते हैं, तो वहाँ पे ब्लड ड्रॉप था जो है, और CID आए, दया आए, उन्होंने कहा कि जो है कि ये मर्डर किसने किया, अब पता लगाया जाए। तो उन्होंने कहा कि ये देखो ब्लड गिरा हुआ है, ब्लड वहाँ से उठाया जाए, ब्लड देखिए यहाँ पे कुछ आगे और बढ़े, उनको कुछ और मिला है ना, तो वहाँ से ब्लड लिया, ब्लड को चेक किया, बाद में क्रिमिनल्स पकड़े गए, उन पे शक, जिन पे शक था उनको उठाया गया, फिर उनके ब्लड को लिया गया और उसमें से DNA दोनों के जो गिरे हुए थे वहाँ, उसको मैच कराया गया और इसको मैच कराया गया, अगर जिसमें ज़्यादा सिमिलरिटी शो करती है वही क्रिमिनल होता है, यानी उसी का खून है, ठीक। बेसिकली हम लोग आइडेंटिफाई करते हैं जो है, किसी ने अगर रेप किसी का हो गया है तो हम लोग क्रिमिनल्स को आइडेंटिफाई कर लेते हैं, किसी का मर्डर हो गया है तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई कर लेते हैं, है ना। तो दूसरे ऑर्गेनिज्म को हम लोग दूसरे लोगों को पता लगाने में हम लोग बेसिकली यूज़ करते हैं इसका, ठीक। फर्दर द पॉलीमॉर्फिज्म आर इनहेरिटेबल फ्रॉम पेरेंट्स टू चिल्ड्रेन, DNA फिंगर प्रिंटिंग इज द बेसिस ऑफ पैटर्निटी टेस्टिंग इन केस ऑफ डिस्प्यूट्स, ठीक। अब कोई कह रहा है कि ये मेरा बच्चा नहीं है, कोई कह रहा है ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अब क्या करोगे, होता है ना, बहुत सारे लोग कह देते हैं ये मेरा बच्चा नहीं है, तो अब वो कह रहा है मेरा बच्चा नहीं, वो कह रहा है मेरे अब्बा यही हैं, अब कैसे पता लगाया जाए, दोनों के DNA टेस्ट हो जाएंगे, है ना। DNA टेस्ट में अगर सिमिलरिटीज मिल रही है तो हम लोग पता लगा लेंगे कि ये बच्चा इन्हीं का है, अगर नहीं मिल रही है तो हम लोग कह देंगे कि जो है आपका बच्चा नहीं है। तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, अगर ख़ास तौर से बेटियां पैदा होती हैं तो लोग कहते हैं कि ये मेरी बेटी नहीं है, है ना, ये मेरा बच्चा नहीं है। तो ऐसे हम लोग DNA फिंगर प्रिंटिंग से हम लोग रूल आउट कर सकते हैं, ठीक। चलिए वही, अगर आपको भी ऐसा लग रहा है कभी कि ये मेरा बच्चा नहीं है तो पड़ोसी का बच्चा है, तो आप लोग भी चेक करवा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें जो है। अब पॉलीमॉर्फिज्म इन DNA सीक्वेंस इज द बेसिस ऑफ जेनेटिक मैपिंग ऑफ ह्यूमन जीनोम, हम लोग क्या करते हैं बच्चों, जेनेटिक मैपिंग करते हैं ह्यूमन जीनोम की, एज वेल एज DNA फिंगर प्रिंटिंग। इट इज essential दैट वी अंडरस्टैंड वॉट DNA पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स इन सिंपल टर्म। पॉलीमॉर्फिज्म मतलब होता है कि वेरिएशंस एट जेनेटिक लेवल, क्या हो बच्चों, वेरिएशंस हो जेनेटिक लेवल पे, arises ड्यू टू म्यूटेशन। अब ये जो वेरिएशंस है ये arise कैसे होता है बच्चों, म्यूटेशन से। डिफरेंट काइंड्स ऑफ म्यूटेशन एंड देयर इफेक्ट्स दैट यू हैव ऑलरेडी स्टडी इन द चैप्टर 5, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं बच्चों म्यूटेशंस, है ना। अब हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ से कि न्यू म्यूटेशंस में एराइज इन एन इंडिविजुअल्स आइदर इन सोमैटिक सेल्स और इन जर्म सेल्स, यानी किसी बॉडी के अंदर, सोमा मतलब बॉडी के अंदर हो सकता है या जर्म सेल के अंदर हो सकता है, जब हम लोग ओवम के दौरान थे। सेल्स डैट गैमेट सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिज्म
इफ जर्म सेल्स म्यूटेशंस डज नॉट सीरियसली इंपेयर द इंडिविजुअल्स एबिलिटी हैव ऑफस्प्रिंग्स हु ट्रांसमिट द म्यूटेशंस। जाहिर सी बात है, होता क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में म्यूटेशन छुपा था, ये हमें 10,000 साल पहले से बात पता थी, है ना। जब लोग नहीं जानते थे तब से हमें ये बात पता थी, साइंटिस्ट बाद में ये जो है प्रूफ कर पाए। बाकी म्यूटेशंस के और भी कारण आपको पता है मेरे ख्याल से, जीन माइग्रेशन, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, है ना, नेचुरल सिलेक्शन और म्यूटेशन, ये सबको पता है मेरे ख्याल से कि ये सब कारण है म्यूटेशंस के, जो म्यूटेशंस कराते हैं। क्लियर। चलिए यहाँ पे हम एक जो है डायग्राम बना रहे हैं, सब लोग बहुत अच्छे से देखिएगा बच्चों, ठीक, फटाफट। यहां पे बच्चों ये सब लोग बना लीजिएगा, ये है बच्चों डीएनए। डीएनए को हमने क्या किया, डेंसिटी के बेसिस पे अलग किया, ठीक। तो एक बच्चों बल्क डीएनए आया, एक क्या आया, बल्क डीएनए और एक आया बच्चों सैटेलाइट डीएनए। क्या आया, सैटेलाइट डीएनए। जो बल्क डीएनए है बच्चों ये 99.9% पाया जाता है, जो सैटेलाइट है ये 0.1% पाया जाता है। जो बल्क डीएनए है बच्चों इसको हम लोग कहते हैं कोडिंग, क्या कहते हैं हम लोग, कोडिंग सीक्वेंसेस। और इसको बच्चों हम लोग बोलते हैं नॉन कोडिंग, क्या कहते हैं इसको हम, नॉन कोडिंग। इसको नोट डाउन कर लीजिएगा, नॉन कोडिंग। अब ये नॉन कोडिंग भी दो तरीके के थे बच्चों, एक थे माइक्रो सैटेलाइट और एक थे बच्चों मिनी सैटेलाइट, ठीक, फटाफट लिखिएगा। अब जो माइक्रो सैटेलाइट थे बच्चों, ये हमने बताया कि 8 से 16 कहें या 1 से 16 बेस पेयर के बने होते हैं और ये 20 से 50 बेस पेयर के बने होते हैं, ठीक। और इसी मिनी सैटेलाइट को बच्चों हम लोग नाम देते हैं VNTR। क्या नाम देते हैं, VNTR। ये VNTR क्या होता है, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, और इसी को हम लोग बोलते हैं STR, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्या बोलते हैं बच्चों, शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। समझ में आ रहा है सभी को, जो अभी ऊपर पढ़ाया था बच्चों उसी को हम यहाँ पे समराइज कर रहे हैं। क्लियर। बताइए, ये जरूर लिख लीजिएगा, ऊपर जो पढ़ाया था वो मैं समराइज कर रहा हूँ। तो यहाँ पे डीएनए है बच्चों, डीएनए तो बहुत बड़ा होता है। अब उसके अंदर डेंसिटी के बेसिस पे हम लोगों ने, डेंसिटी के बेसिस का मतलब कुछ ज़्यादा बल्क डीएनए होते हैं, कुछ छोटे होते हैं। तो बल्क डीएनए 99.9%, इसको हम लोग कोडिंग सीक्वेंसेस बोलते हैं। कौन सा सीक्वेंस बच्चों, कोडिंग सीक्वेंसेस कहते हैं, ठीक। और इसको हम लोग सैटेलाइट डीएनए ऐसा डीएनए था, इसको 3 बेसिस पे AT और GC रिच रीजन होता है, है ना, लेंथ के बेसिस पे, और बार बार रिपीट होते हैं। क्या होते हैं बच्चों, ये बार बार रिपीटेटिव सीक्वेंस है। सैटेलाइट डीएनए क्या है, ये रिपीटेटिव सीक्वेंस है, ठीक, जो 0.1% पाया जाता है। हम लोग क्या कहेंगे, नॉन कोडिंग, किसी को कोड नहीं करता है, ठीक। माइक्रो सैटेलाइट होता है, मिनी सैटेलाइट होता है, VNTR लिख लीजिएगा, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स, STR यानी शॉर्ट टैंडम रिपीट्स। क्लियर। VNTR इज वेरी इंपॉर्टेंट, हम लोग VNTR के बेसिस से बताते हैं कि कौन क्रिमिनल है कौन क्रिमिनल नहीं है, ये भी दिमाग में रखना। हम लोग किसके बेसिस से बताते हैं, VNTR के बेसिस पे। क्लियर, मेरे ख्याल से नोट डाउन कर लिया है, फटाफट मैं आगे बढ़ूं।
बताइए बच्चों, नोट डाउन कर लिया? जल्दी बताओ। चलिए अब हम लोग लास्ट टॉपिक है पढ़ लेते हैं। सारी चीजें वही आ रही हैं। अब कह रहा है कि बच्चों जो इवोल्यूशन है, म्यूटेशन है, वो छुपा हुआ है किसमें? ह्यूमन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, है ना। अब यहां पे कह रहा है कि दादर मेम्ब्रेन ऑफ पॉपुलेशन थ्रू सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक। एलेलिक सीक्वेंसेस वेयर वेरिएशंस हैज ट्रेडिशनली बीन डिस्क्राइब्ड डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म इफ मोर देन वन वेरिएंट एलील एट अ लोकस अकर्स इन ह्यूमन पॉपुलेशंस विद अ फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन 0.01। फ्रीक्वेंसी कितनी हो बच्चों? ग्रेटर देन 0.01 हो। इन सिंपल टर्म्स, इफ एन इनहेरिटेबल म्यूटेशन इज ऑब्जर्व्ड इन अ पॉपुलेशंस एट हाई फ्रीक्वेंसी रिफर टू एज द डीएनए पॉलीमॉर्फिज्म। जब फ्रीक्वेंसी कितनी हो? मोर देन 0.01 हो, तो हम लोगों को क्या दिखता है बच्चों? पॉलीमॉर्फिज्म दिखता है, ठीक। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच वेरिएशंस टू बी ऑब्जर्व्ड इन नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस वुड बी हायर एज म्यूटेशन इन दीज सीक्वेंसेस मे नॉट हैव एनी इमीडिएट इफेक्ट्स और इम्पैक्ट इन एन इंडिविजुअल्स। क्योंकि अगर जो कोड नहीं कर रहा है उसके अंदर अगर म्यूटेशन होगा बच्चों, तो उसका कोई इफेक्ट हमारी बॉडी पे नहीं आएगा, कोई ज्यादा इफेक्ट नहीं आ रहा है, क्योंकि वो कोड ही नहीं कर रहा है। तो सैटेलाइट डीएनए नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस है, वो अगर हमारी बॉडी पे उसके अंदर म्यूटेशंस हो रहे हैं तो ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखाएगा, क्योंकि कोडिंग किसी को कर ही नहीं रहा है। लेकिन अगर कोडिंग वाले में थोड़ा बहुत डिफरेंस होगा तो हमारी बॉडी के अंदर वो म्यूटेशंस दिखेगा। उसका कहने का मतलब ये है, समझ रहे हो? ठीक। दीज म्यूटेशंस कीप ऑन एक्युमुलेशन जनरेशन आफ्टर जनरेशन। अब यही जनरेशन आफ्टर जनरेशन एक्युमुलेट होगा तो थोड़ा बहुत पॉलीमॉर्फिज्म शो करेगा। वन ऑफ द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी और पॉलीमॉर्फिज्म, यानी जो नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस में अगर म्यूटेशन हो रहे हैं, जब वो जनरेशन टू जनरेशन एक्युमुलेट होंगे, थोड़ा बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तो थोड़ा बहुत वेरिएशंस पॉलीमॉर्फिज्म देखने को मिल जाएगा। लेकिन अगर कोडिंग सीक्वेंसेस में जरा सी भी गड़बड़ी हुई तो वो तुरंत दिखाएगा, है ना, तुरंत म्यूटेशंस आपको देखने को मिलेगा। बात समझ गए? देयर इज अ वैरायटी ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म रेंजिंग फ्रॉम अ सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज एंड वेरी लार्ज स्केल। अब सिंगल न्यूक्लियोटाइड चेंज आपने पढ़ा ही है, है ना, सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन। सिंगल बेस सब्स्टिट्यूशन नहीं पढ़ा है? पढ़ा है ना, सिकल सेल एनीमिया के अंदर हो जाता है। फॉर इवोल्यूशंस एंड स्पेसिएशन सच पॉलीमॉर्फिज्म में प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, यू विल बी स्टडी इन डिटेल्स इन हायर क्लास। हम लोग स्पेसिएशन पढ़ेंगे, यानी इवोल्यूशन होने के लिए, दूसरों से अलग होने के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। टेक्निक ऑफ डीएनए फिंगरप्रिंटिंग वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एलेक जैफरे। किसने बनाया था बच्चों? डेवलप किया था एलेक जैफरे ने। ही यूज्ड अ सैटेलाइट डीएनए एज अ प्रोब दैट शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म। वेरी हाई किसका यूज किया था बच्चों? सैटेलाइट डीएनए का, जिसके अंदर वेरी हाई डिग्री ऑफ, क्यों? क्योंकि बच्चों छोटा साइज था, साइज क्या था? छोटा था, तो हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म था। इट वाज कॉल्ड वेरिएबल नंबर VNTR, वेरिएबल नंबर टैंडम रिपीट्स। द टेक्निक्स यूज्ड अर्लियर इन्वॉल्व्ड इन साउथर्न हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग रेडियो लेवल्ड VNTR। अब साउथर्न ब्लॉटिंग हम लोग किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? डीएनए के लिए, ठीक। ये भी आपको याद करवा दे रहे हैं, साउथर्न ब्लॉटिंग जो हम लोग यूज करते हैं, वो हम लोग यूज करते हैं डीएनए के लिए। किसके लिए यूज करते हैं बच्चों? डीएनए के लिए। ऐसे याद रखिएगा सब लोग, स्नो, ऐसे याद रखना, स्नो ड्रॉप। क्या याद रखना बच्चों? स्नो ड्रॉप। एस हो जाएगा साउथर्न ब्लॉटिंग। क्या? साउथर्न ब्लॉटिंग हम लोग बच्चों डीएनए, डी से डीएनए, डीएनए के लिए यूज करते हैं।
ठीक, एन से हो जाएगा नॉर्थर्न ब्लॉटिंग। क्या? नॉर्थर्न ब्लॉटिंग जो हम लोग यूज़ करते हैं बच्चों आरएनए के लिए यूज़ करते हैं। और एक होता है वेस्टर्न ब्लॉटिंग। क्या होता है? वेस्टर्न ब्लॉटिंग जो हम लोग प्रोटीन के लिए यूज़ करते हैं, और इस ओ से कुछ नहीं है, ठीक है ना, इससे कुछ नहीं है। तो याद रखना, स्नो ड्रॉप, स्नो ड्रॉप साउथर्न ब्लॉटिंग डीएनए के लिए, नॉर्थर्न आरएनए के लिए, वेस्टर्न ब्लॉटिंग प्रोटीन के लिए। याद रहेगा? फटाफट बताइए, याद रहेगा बच्चों? चलो अब सुनिए, अब कह रहा है कि हमको डीएनए निकालना है, हमको डीएनए निकालना है, तो हम कैसे निकाल सकते हैं सब लोग बताइए। अब याद आ रहा होगा तुम लोगों को, मैं अब तुमको ले चलता हूं वहां बायोटेक में। हमने पढ़ा था एक कोई सेल है, सेल के अंदर हम लोग जाएंगे, इंजाइम यूज करेंगे, प्रोटीएज यूज करेंगे, सेलुलेज यूज करेंगे, आरएनएज यूज करेंगे, डीएनए को निकाल लिया है ना। अब हम लोगों ने आइसोलेशन वहां से डीएनए के लिया, डीएनए का कर लिया। जब डीएनए वहां से निकाला, तो डाइजेशन ऑफ डीएनए बाय रिस्ट्रिक्शन इंडोन्यूक्लियस, आरई का यूज किया। याद आ रहा है बच्चा? आरई, यू नो आरई, आरई का यूज किया। अब वहां से हमने क्या किया? सेपरेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम लोग यूज करते थे एग्रोस जेल, जो बनाई जा रही थी किससे बच्चों? रेड एल्गा से, रेड एल्गा में जिलेडियम और ग्रेसिलेरियम से। ठीक, ट्रांसफर किया हम लोगों ने ब्लॉटिंग की सेपरेटेड डीएनए फ्रेगमेंट्स टू सिंथेटिक मेम्ब्रेन सच एज नाइट्रोसेलुलोज और नाइलॉन। तो हम लोगों ने क्या किया बच्चों, कि जब हम लोगों ने डीएनए, समझिएगा बात को, जब हम लोगों ने क्या किया कि ये डीएनए के मॉलिक्यूल्स को कट कर लिया। कट करने के बाद ये जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है, इसके ऊपर मैंने बहुत सारे छोटे 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 डीएनए के मॉलिक्यूल्स लगा दिए। फिर मैं ऐसे ही इसके ऊपर एक नाइट्रोसेलुलोज की मेम्ब्रेन, इसके ऊपर मैं नाइट्रोसेलुलोज के ऐसे पेपर लगा देता हूँ, जिससे जब मैं ऐसे निकाल के देखता हूँ, तो इस पे सारे डीएनए के मॉलिक्यूल्स चिपक गए, यानी यहाँ पे थे, मैंने ऐसे रखा, इस पे निकल आए सारे, इस पे आ गए, नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे आ गए। ठीक, जब ये इस पे आ गए, फिर क्या हुआ? हाइब्रिडाइजेशन यूजिंग अ लेबल्ड वीएनटीआर प्रोब। फिर हमने क्या किया उसको? हाइब्रिडाइजेशन किया, क्योंकि ये जो है बच्चों, इसी का कॉम्प्लीमेंट्री होता है उसका, उसने बॉन्ड बना लिया उसके साथ। ठीक, डिटेक्शन ऑफ हाइब्रिडाइजेशन डीएनए फ्रेगमेंट्स बाय ऑटो रेडियोग्राफी। फिर हमने क्या किया? ऑटो रेडियोग्राफी से उसको डिटेक्ट किया। रिप्रेजेंटेशन ऑफ द डीएनए फिंगरप्रिंटिंग शो इन द फिगर। अब फिगर में हम लोग देखते हैं, तो बात समझ में आई कि नहीं? कुछ बताइए बच्चों, फटाफट बताइए। हमने क्या किया? पहले सेल के अंदर गए, सेल में प्रोटीन था, प्रोटीएज एंजाइम यूज किया, सेल में मेम्ब्रेन था, सेलुलोज यूज किया, उसके अंदर आरएनए था, आरएनएज यूज किया, सबको डाइजेस्ट कर दिया। ठीक, जिसको निकालना है वो एंजाइम नहीं यूज करते। डीएनए मैंने स्पूलिंग से निकाल लिया, निकालने के बाद उसको मैंने क्या किया बच्चों? चिल्ड इथेनॉल भी डाला मैंने, चिल्ड इथेनॉल। फिर उसको मैंने निकाल लिया, स्पूलिंग किया। स्पूलिंग करने के बाद उसका बड़ा साइज था, तो मैंने उसको कट किया, किससे? आरी से। कट करने के बाद हम एग्रोस जेल पे रखा। इलेक्ट्रोड होता है, याद है, एनायन एनोड पे, कैटायन कैथोड पे जाते हैं। जो डीएनए होता है निगेटिव चार्ज होता है, तो एनायन एनोड की तरफ खींचा हुआ चला जाता है। फिर हमने नाइट्रोसेलुलोज पेपर यूज किया, ऐसे उस पर चिपक के सारे चले आए। नाइट्रोसेलुलोज पेपर पे जब हमने किया वीएनटीआर, वीएनटीआर का जस्ट ये क्या होते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री, उससे बॉन्ड बनाया। उस पर हमने ऑटो रेडियोग्राफी किया, ऑटो रेडियोग्राफी करके हमने उसमें देखा जो है कौन सा डीएनए मॉलिक्यूल्स है। क्लियर? बताइए, अब आगे हम लोग डायग्राम देखते हैं। अब कह रहा है कि वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। पढ़ा है? वीएनटीआर बिलोंग्स टू अ क्लास ऑफ सैटेलाइट डीएनए। यस, पढ़ा है भाई? रिफर टू एज मिनी सैटेलाइट। यस, पहले हमने क्लासिफिकेशन पढ़ लिया। स्मॉल डीएनए सीक्वेंसेस अरेंज इन टेंडमली इन मेनी कॉपी नंबर्स, द कॉपी नंबर्स वेरीज फ्रॉम क्रोमोजोम टू क्रोमोजोम इन इंडिविजुअल्स, नंबर रिपीट्स एंड शो वेरी हाई डिग्री ऑफ पॉलीमॉर्फिज्म, एज रिजल्ट साइज ऑफ वी एन टी आर वेरीज इन द साइज फ्रॉम 0.1 to 20 kb। कितनी बच्चों? 0.1 to 20 kb। कॉन्सिक्वेंटली आफ्टर हाइब्रिडाइजेशन विद वी एन टी आर प्रोब, द ऑटो रेडियोग्राम गिव्स मेनी बैंड्स ऑफ डिफरेंट साइजेस, द बैंड्स गिव्स कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न ऑफ इंडिविजुअल्स डी एन ए।
अब कौन कौन सा पैटर्न देखने को मिलता है अभी हम लोग देखते हैं ऊपर। कैरेक्टरिस्टिक्स पैटर्न इट डिफर्स फ्रॉम इंडिविजुअल्स टू इंडिविजुअल इन अ पॉपुलेशन एक्सेप्ट इन केस ऑफ मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस। मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस ये याद रखिएगा, मोनोजाइगोटिक आइडेंटिकल ट्विंस में ऐसा नहीं मिलता। सेंसिटिविटी ऑफ द टेक्निक हैज बीन इंक्रीज बाय पॉलीमरेज चेन रिएक्शन पीसीआर। यू विल स्टडी अबाउट चैप्टर 11 हम लोग पढ़ चुके हैं। डीएनए फ्रॉम सिंगल जीन इनफ परफॉर्म डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। हम लोग पीसीआर में क्या करते हैं बच्चों, बहुत सारी कॉपी बना लेते हैं ना। अगर हमें एक सीक्वेंस मिल गया तो इसकी हम लोग बिलियन कॉपी बना लेते हैं, तो हमारे लिए स्टडी आसान हो जाती है। ठीक, तो यहाँ पे देखिए डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए सब लोग दिमाग लगा के, अब समझ में आएगी बात। चलिए इसको छोटा कर दे रहे ताकि दिखे। अब जैसे देखिए एकदम दिमाग लगा समझिएगा, कुछ है नहीं। आप लोग खुद बताएंगे क्रिमिनल कौन है। ये देखो पैटर्नल क्रोमोसोम है बच्चों, ये मैटर्नल क्रोमोसोम है। क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 7, चलिए कोई बात नहीं। यहाँ पे क्रोमोसोम 2 है, क्रोमोसोम 2 है। क्रोमोसोम 16 है, क्रोमोसोम 16 है। क्लियर। अब हमने क्या किया, नंबर ऑफ शॉर्ट एंड नंबर रिपीट्स। अब यहां पे आप देखिए कि ये पैटर्न और ये पैटर्न, ये जो ए बी है बच्चों, ए बी सी है ना, ये पैटर्न किसमें हूबहू मिल रहा है, जिसमें मैच कर रहा है वही क्रिमिनल है तुम्हारा। ठीक, तो हमने देखो यहां पे अगर हम लोग देखें बच्चों, ये तो ए वाला तो बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना, और यहां पे अगर देखें तो सिर्फ यहां वाला है ही नहीं, और यहां पे भी अगर तुम देखो तो यहां भी जो है ये एब्सेंट है, दिख रहा है कि नहीं सभी को। और यहां पे अगर तुम देखो ये वाला, ये तीनों में है ना, सबसे ज्यादा जो मैचिंग हमको दिख रही है वो क्रोमोसोम 7 में दिख रही है। देख पा रहे हो, जिसका पैटर्न हूबहू मिल जाए वही है क्रिमिनल, वही मिलता जुलता है, वही आपका बेटा है। तो यहां पे देखिए अगर इसको आप देखें, इसको और इसको, ये बिल्कुल मैच नहीं कर रहा है ना। अगर आप इसको इसकी बात करें, ये तो एक ही में है, बाकी में है ही नहीं। ठीक, सबसे ज्यादा जो है ये पैटर्न जो है सबसे ज्यादा मैच कर रहा है बच्चों। तो यही जो है अब हम लोग देख लेंगे ये कहाँ कहाँ है, क्रोमोसोम 7, क्रोमोसोम 7। क्लियर, तो हम लोग पता लगा लेंगे कि ये जो है ठीक। तो डीएनए फ्रॉम क्राइम सीन कौन सा है बच्चों, ये देखो सी वाले से बिल्कुल मैच कर रहा है ना, बाकी तो सी वाले से कोई नहीं मैच कर रहा था। देखो ये भी नहीं मैच कर रहा है, ये देखो ये मैच नहीं कर रहा है ना। देखो ए वाले में तो है ही नहीं, मैं रफ कर दे रहा हूं अगर तुम नहीं समझ पा रहे हो। अब देखो ये देखो तीनों में है बच्चों, 1, 2, 3, यानी ए और बी और सी का मैच कर रहा है, तो यही वाला हो गया। यहां पे तो मैच ही नहीं कर रहा है, ये मैंने खुद लिखा, इसको हटा दे रहा हूं। अब देखो बताओ, तो समझ पा रहे हो, जिसका सबसे ज्यादा मैचिंग कर जाए वही है क्रिमिनल। अब मैं कुछ एग्जांपल कहो तो और लेके समझा दूं आपको, अगर इसमें बात नहीं समझ में आ रही है तो ये चैप्टर हो गया खत्म। मैं कुछ एग्जांपल और लेके आपको समझा देता हूँ, ठीक है ना। चलो कुछ एग्जांपल और ले देता हूँ। मान लीजिए ये जो है हैदर सर है, ये हैं बच्चों हैदर सर, ठीक, और ये हैं ताविश, ये हैं ताविश जी, ठीक, और ये हैं वर्षा राज, ये हैं वर्षा राज, ठीक, और ये हैं सुमैया। बस ज़्यादा ले लिया एग्जांपल, ये हैं सुमैया, ठीक। अब हुआ क्या,
आप लोगों ने कहा कि मान लीजिए हैदर सर का मर्डर हो गया, हैदर सर का क्या हो गया, मर्डर। तो हैदर सर का जब डीएनए देखा गया तो कुछ इस तरीके से पैटर्न आया उसमें। और अब जब हैदर सर का मर्डर हुआ तो ताबिश, वर्षा राज और सुमैया ये वहाँ मौजूद थे, और वहाँ पे जो है जब मर्डर हमारा हो रहा था तो उस वक्त जो आपस में लड़ाई हुई तो हमने भी थोड़ा बहुत मार दिया तो ब्लड ब्लड गिर गए थे। तो वहाँ पे मान लीजिए जो है अब ये तीन लोग वहाँ थे तो इन तीनों के ऊपर शक है, और मान लीजिए ताबिश जो है, ताबिश का ब्लड जो है वहाँ पे थोड़ा सा गिरा था, है ना, लड़ाई हुई थी तो कुछ सेल्स उसके या हमारे सेल के अंदर आ गए थे, हमारे नेल्स के अंदर आ गए थे उसके कुछ सेल्स। तो जब फॉरेंसिक जांच आए, उन्होंने चेक किया तो जब देखा तो ताबिश का भी पैटर्न बिल्कुल ऐसे आ रहा है और वर्षा का पैटर्न जो है मैच नहीं कर रहा था, और सुमैया का भी पैटर्न जो है डीएनए का मैच नहीं कर रहा था। तो सबसे ज़्यादा जो है मैचिंग ताबिश के उसमें डीएनए जब इसका देखा गया तो हैदर सर का, ये दोनों मैचिंग अच्छे से कर रहे थे। तो यहाँ पे पता चला कि यही ताबिश साहब थे जिन्होंने जो हैदर सर का मर्डर किया था, क्योंकि जो हमारे अंदर उसका ताबिश का वो लगा था वो उसके सीक्वेंस से मैच कर रहा था, ठीक है ना, उसके सेल्स के सीक्वेंस से। क्योंकि लड़ाई उड़ाई जब होती है तो कुछ सलाइवा हो जाए या नेल्स आपस में वो होते हैं तो कुछ स्किन के पार्ट्स ही अगर आ गए तो तुम उससे पता लगा लोगे, ठीक। तो उसके डीएनए सीक्वेंसेस देखे गए जो हमारे नेल्स में थे और ताबिश के, दोनों के हूबहू मैच कर रहे थे। तो इन्हें पकड़ लिया गया कि यही हैं क्रिमिनल, और उन्हें जब दो डंडा मारा गया तब ये बता रहे हैं कि हाँ हम ही थे। जो है पुलिस आई, दो चार झापड़ जब इनको जड़ी कस के तो इनको समझ में आया कि अब बता ही दें, है ना। जो है खैर कोई बात नहीं, ये चैप्टर हुआ ख़त्म बेटा।